और सिंघाना थाना क्षेत्र के मुरादपुर में रविवार को बाइक पर सवार दो बदमाशों ने एक पूर्व सैनिक को गोली मार दी। इस दौरान गोली लगने से सैनिक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हालत गंभीर होने पर सैनिक को झुंझुनू रेफर किया है। वहीं घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी की है। और मुरादपुर निवासी महेंद्र सिंह ने बताया कि उसका भाई अमीलाल परिवार समेत सिंघाना के प्रभात कॉलोनी में रहते हैं। पूर्व सैनिक अमीलाल गांव के मुख्य सड़क के पास बने मंदिर में नियमित रूप से आकर पूजा पाठ और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करता है। ग्रामीणों ने अमानी अमीलाल और सरजीत के परिवार के बीच कहासुनी हो गई थी, ये बताया है, जिसको लेकर सरजीत स्वामी रंजिश रखता था। उसी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम देने की बात भी सामने आई है। आज सुबह 11:30 बजे के लगभग थाने पर हमें टेलीफोन से सूचना मिली कि अमीलाल पुत्र रतन सिंह जाट, जो सेवानिवृत्त फौजी है, मुरादपुर का रहने वाला है, उसके दो लड़कों ने गोली मार दी और फरार हो गए हैं। इसके ऊपर तुरंत सूचना मिलते ही SSO साहब स्टाफ रवाना हुआ, मजरूफ को ला करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जिसको अभी रेफर कर दिया गया है, और मुलजिमों की तलाश में टीम रवाना हो गई है। शीघ्र अति शीघ्र उसको गिरफ्तार किया जा करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बदमाशों द्वारा कितनी गोली चलाई गई है? आमिलाल ये बता रहा है कि मेरे दो गोली चलाई है, मजरू ने दो गोली चलना बताया है, और स्वामियों का लड़का है कोई, उसने चलाई। साइड में से अमीलाल का कुआ है, ये कुआ के ऊपर खेड़ में पानी डालने के लिए गया था, इसके गोली लग गई है। कितना फायर कर रहे हो? कितना गोली लगा मारी? एक आर पार है, ये दो है, एक उधर, एक उधर, दो है, दो मारी है। मारने कड़े को मुरादपुर गई, कोई रंजिश थी क्या? साहब मेरा हिसाब से ठीक हो नहीं, ये जाने।